नंबर 14 देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसे टी मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ डिफरेंशिएशन आ जाएगा 8x और प्लस में से, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ यह है कि दो कम है, दो से गुना कर देंगे तो काम हो जाएगा, तो बाहर दो से भाग और अंदर दो से गुना, ठीक है, इसीलिए ऐसा किया ताकि ये आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर में t। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x प्लस में 6 बराबर में dt बटा dx, ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा 8x प्लस 6 dx बराबर dt। देखो एक और काम कर सकता है, अगर मैं ये काम नहीं करता, यहाँ जो भाग और गुणा के ये ना करता, मैं यहाँ पे दो कॉमन करता और दो को उधर भाग में नहीं करता, तो यहाँ 4x प्लस 3 आ जाता, ठीक है। तो दो तरीका था, कोई भी यूज कर सकते थे, 1/2 आठ एक्स प्लस में 6 डी एक्स बराबर है डी टी, और यह हो जाएगा भैया आपका रूट टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 टी का पावर 1/2 डी टी, पावर में एक जोड़ के पावर नीचे उतार देंगे, यानी कि पावर में हो जाएगा 3/2 और बटा में 3/2, ये एक कट जाएगा प्लस में, यानी 1/3 टी का पावर 3/2 प्लस टी। वापस से यहाँ पे हम लोग टी का वैल्यू रख सकते हैं, तो चलिए आपस में यहाँ टी का वैल्यू रख लेते हैं, तो टी का वैल्यू है यही ना, तो 1/3 4x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस, यहाँ 1/3 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।